पहले मैं थोड़ा बहुत किताबें पढ़ता था महाराज जी के यहाँ,
क्योंकि बचपन से थोड़ा मेरे को उत्सुकता होती है ये सब चीज़ें क्या है, भजन क्या है, संसार में आने क्यों आए, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वहाँ पे मैंने जान लिया था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भाई एक एक करते करते लास्ट में मोक्ष लेना है। मोक्ष के बाद सब खत्म हो गया, फिर आपका निर्वाण हो गया, आपसे छूट गए। तो ऐसा मेरी धारणा थी। तो महाराज जी के पहले दर्शन मुझे हुए, हम लोग हमारे पृथ्वीराजा जी के घर में थे दिल्ली में। महाराज जी वहाँ आए थे, हमारे कश्यप जी वहाँ लेके गए। तुम वहाँ पे आए और क्या महाराज जी की छवि थी, जैसे एंटर किया सब लोग दंडवत प्रणाम, पूरे कमरे में ये क्या हो रहा है, कभी ऐसा सीन नहीं देखा था हमने कि ऐसा भी होता है, ऐसे सब लोग लेट गए। फिर महाराज जी का ऐसे माइक दिया गया, सब ने ऐसे रिकॉर्डर आगे कर दिए, 5-6 रिकॉर्डर। मैं सब सोच रहे क्या बोल रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ बन, सब रिकॉर्ड करने को तैयार है। फिर ये मेरी पहली महाराज जी के साथ मीटिंग थी और देखो महाराज जी ने क्या कहा पहली मीटिंग में। महाराज जी ने बहुत सारी बातें कही, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन बीच में वो आवेश में आ गए एकदम से और वो कहने लगे ये मुक्ति क्या चीज़ है, मुक्ति कुछ भी नहीं, भक्ति के सामने मुक्ति कहीं नहीं ठहरती। और फिर महाराज जी अचानक जोश में आए, कहते किसको मुक्ति चाहिए तुम, मैं हाथ खड़ा करो, अभी देता हूँ। मैंने कहा अभी देता हूँ, अभी तक जो मैंने पढ़ा था वो पढ़ा था कि मुक्ति सबसे लास्ट चीज़ है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद अनेक अनेक मुनियों ने 60-60 हज़ार वर्ष तपस्या करी है और मैं पहली बार महाराज जी की मीटिंग में आया हूँ, मेरी कोई भी तप नहीं, कुछ भी नहीं, और महाराज जी मुझे भी ऑफर दे रहे कि किसको चाहिए मुक्ति चाहिए अभी देता हूँ, हाथ खड़ा करो। तो मैंने तो सोचा हाथ खड़ा कर देना चाहिए, इतनी आराम से मुक्ति मिल रही है भैया, हम तो जमन से ही सोच रहे मुक्ति सब कुछ है, मोक्ष सब कुछ है। मैंने कहा देखा आसपास देखा किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया और मेरे मन में फिर भी हो रहा था कि यार कर दूं चुप क्योंकि महात्मा तो दे रहे सीधा, उन्होंने टाइम भी दिया, ऐसा नहीं कि गलती से निकल गया। मुझे लगा कि शायद महाराज जी कुछ और भी चीज़ देते होंगे इससे बड़ी चीज़, इसके लिए सब बैठे हैं शायद यहाँ पे। पर अब जाके पता चला कि महाराज जी उससे सचमुच बहुत बड़ी चीज़ है, सचमुच ही बहुत बड़ी चीज़ है। कितना सुंदर स्थान गुरु जी ने स्थापित किया था, उनके हृदय से प्रकट हुआ स्थान जम हो जाता और उसके आगे तो खाली होता। तो ये भक्ति के मार्ग में ये चेक पोस्ट लगी हुई है, ये शिक्षा स्तर के 30 श्लोक में प्रणादर भी सुनी छे तरोर भी सहिष्णु ना अमानी ना मानदे नित्य सदारे। ज्यादातर 90% भक्त यहीं पे अगर इकट्ठे हैं सारे के सारे, बहुत भीड़ लगी है और इसको जो पार करके वहां खाली रोड है, वहां पे फिर स्पीड में ड्राइव करके जा सकते हैं। तो ये जितना भी श्लोक इतना इम्पोर्टेंट श्लोक है जो हम सब लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है, हमारे जैसे नए भक्तों के लिए। हम मैं कुछ वैष्णव की बात नहीं कर रहा, यहाँ बहुत सारे वैष्णव लोग बैठे हैं जो कि इसके बहुत आगे पहुँचे, बहुत आगे, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ जो कि वहाँ पे जाके अटके हुए हैं। धृणादर भी सुनी सरोवर भी सहिष्णुना मानी ना मान ले कीर्तन या सदा हरि, इसकी प्रतिमूर्ति थे हमारे कुछ बात भक्ति विलास विक्रम महाराज। आज सुबह ही हमने श्रवण किया किस तरह से इतने सरल, एकदम सब काम अपने आप करने वाले, किसी की सेवा नहीं लेते थे उनके पास। यहाँ तक कि जो डंडा था वो भी कहीं से खरीदा हुआ नहीं था, मेरे को लगता किसी पेड़ से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा डंडा लेके चलते थे महाराज जी, और बड़ा अच्छा सुंदर लगता था देखने में। और अपना सिलाई खुद करते थे, अपना सारा काम स्वयं करते थे। तो इस तरह से महाराज जी के अनेकार दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और कुछ बात विक्रम महाराज जी जब हमारे गुरुदेव अपने गृहस्थ में थे, उनको जो टोली आई थी उनसे मिलने पहली बार, उसमें कुछ बात विक्रम महाराज जी भी थे, उसमें उनका नाम राधानाथ प्रभु था, तो वो उनके उसके साथ थे। और हमारे कुछ बात भक्ति कमल मधुसूदन महाराज जी उस टोली के इंचार्ज थे और उसके अंदर वो महाराज जी भी आए थे, उनको लेके गए। लेकिन जैसा कि अब प्रभु जी कह रहे थे कि महाराज जी सीनियर थे हमारे गुरु जी से, पहले मठ में आए उम्र में भी आगे, लेकिन गुरुदेव कितनी सम्मान करते थे, उनके कमरे के आगे से गुजरते थे तो उनके चरण पादों को प्रणाम करके निकलते, ऐसा उनका सम्मान था। तो ऐसे वह कुछ हमारे गुरुवर्गों को, तीनों ही गुरुवर्गों को हृदय से दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनकी अहतु की कृपा की वर्षा करता हूँ, उनकी शुभ तिथियाँ शतवार्षिक की हम आज मना रहे हैं, उनका शुभ आयुर्वाद दिवस मना रहे हैं। हम सब पे गुरुदेव कृपा वर्षण करें और हम सब को भजन में आगे बढ़ने के लिए बल मिले, हम सब गुरु वैष्णव की सेवा कर पाए। जैसे हमारे श्रीपाद आनंद प्रभु ने कितना गेला प्रभु कर कितनी सुंदर सेवा गुरु जी की करी उन्होंने, आज ही नहीं जब से हम देखते हैं, जब से मंदिर बना तब से, और गुरुदेव बड़े उत्साह से यहाँ पे कार्यक्रम हम लोग देते हैं। और हमारे पंचपा श्रीधर महाराज जी भी क्या कहने के लिए, जिन्होंने महाराज जी को पहले देखा है जब ब्रह्मचारी होते थे, वो लोग जानते हैं महाराज जी कैसी तपस्या रही, कैसी अद्भुत तपस्या करी महाराज जी ने। सीढ़ी के नीचे इतने से कमरे में रहते थे, जिन्होंने नहीं देखा शायद उनको नहीं जानते, लेकिन हमने देखा है उसमें खड़ा होना भी मुश्किल, बैठना भी मुश्किल, इतने महाराज जी का बैठ जाओ ना
इतना ही चौड़ा था जितना कि एक साइड में सो जाओ और उसके खिड़की में उनके गुरु जी होते थे। ऐसा सरल जीवन उन्होंने व्यतीत किया है, तभी आज पूरे जगत में प्रचार कर रहे हैं, तभी आप सब लोग इतने उत्साह से आए हैं, मैं भी इसी उत्साह से आया हूँ। महाराज जी ने हमारे लिए बहुत बहुत मेहनत करी हमारे ऊपर, हम जैसे क्या राक्षस बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बहुत घिसा है ना, घिस घिस के कुछ कुछ अभी भी वैसे के वैसे। तो महाराज जी ने बड़ी मेहनत करी, कई सालों से आंसर नहीं, कहाँ का दर्शन कराए, परिक्रमाएं कराई, पहली बार परिक्रमा भी महाराज जी के साथ करी गिरिराज जी की, इतने सालों से कथा सुनते आ रहे। फिर महाराज जी एक शब्द बोलते हैं तो लोग अपने फटाफट उत्साह हो जाते, सभी लोग कहाँ से प्रभु जी बस लेके आ गए, इतनी शॉर्ट नोटिस पे, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आप लोग के हृदय, तो ऐसा ये ऐसी भावना नहीं आती, इसलिए बहुत तपस्या इसके पीछे होती। जैसे हमारे गुरु महाराज ने 50 साल मथुरा में बैठे, 50 साल तक कहीं बाहर नहीं गए, कोई प्रचार नहीं किया, कोई बोर्ड नहीं लगाया, बस मधुर मधुर कथाएं जो आज हम सुन रहे हैं, रोज सुबह सुबह दो कथाएं जो आती है ना, वो 50 साल की मेहनत है जो गुरु जी ने उस समय बिना किसी और उद्देश्य, खाली बस कथाओं का आनंद लेना। तो ऐसे ये जो वैष्णव लोग हैं, ये बहुत बहुत इनके पीछे कमाई है, इनकी इनकी बहुत तपस्या है, तो हम लोग को चाहिए कि हम अपने निष्कपट मन से इनके चरणों में शरणागत हों और इनके चरणों को फॉलो करें, इनके इंस्ट्रक्शन को सुने, और इससे हमारा निश्चय ही कल्याण होगा। वांछा करो कि करो चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर सुभाषते गौरभक्तवृन्द, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रभुष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी एक ही कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद नित्य लीला वरिष्ठम विष्णुपाद अष्टोदर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज, नित्य लीला वरिष्ठम विष्णुपाद अष्टोदर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री त्रिगम गोस्वामी महाराज जी के भी अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपान गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और हमारे मंच पे आसीन पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, महाराज जी के आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ पे मंच पे हमारे गुरु जी पूज्यपाद संजय गुरु, पूज्यपाद अजय गुरु और जिनकी अथक प्रयास से पूज्यपाद आनंद स्वरूप केला जी, जिन्होंने इतने उत्साह के द्वारा गुरु जी का ये बहुत सुंदर सत्वार्षिक आयोजन हुआ और इतना सुंदर विशाल नगर संकीर्तन निकाला। आज एक बहुत हमारे गुरु जी के गुरु भ्राता वैष्णव ठाकुर नित्य भक्ति त्रिका महाराज जी की आविर्भाव तिथि है, इतना पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन के उपलक्ष्य में इन्होंने जो कीर्तन निकाला है, गुरु जी निसंदेह इनके ऊपर बड़ी कृपा है, नजर है इनकी। और जब गुरु जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे, अभी जैसे सभी लोग बता रहे थे कितनी स्मृति है आनंद धाम में, गुरु जी की बहुत स्मृति है यहाँ पर, गुरु जी की भजन कुटीर है वहाँ पर। जब हमारे प्रभु जी आनंद स्वरूप केला जी ने जब आए गुरु जी, तो इनके हाथ में पूरे आनंद धाम की चाबी रख दी, बोले गुरु जी आज से ये मंदिर आपका है और मैं भी, मेरे को भी आप स्वीकार कर लीजिए। गुरु जी ने बहुत मुस्कुराए और बहुत इनको स्वीकार भी किया और इतने धूमधाम से वहां पर कीर्तन हुआ। और कई साल तक उसके बाद कार्तिक परिक्रमा में ये जितनी भी हमारी बस आती थी, कार्तिक में कभी 20 बस आई, कभी 22 बस आई, कभी 25 बस आई, 10 बस आई, 8 बस आई, ये सभी भक्तों को कार्तिक में बुलाते थे और बहुत सुंदर प्रसाद
इतना सुंदर प्रसाद करते थे लोग, जो जानते पुराने लोग हैं, बहुत सुंदर भंडारा करते थे। और बीच में जब भी महाराज जी गुरु जी बुलाते थे, रूप गोस्वामी तिथि पे लोग आते थे, तो ऐसे ही इनका आकर गुरु जी हमें, वैसे तो गुरु जी की पूर्ण इन पर कृपा है, तो मैं भी गुरु जी के चरणों में, वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ ऐसी सेवा वृत्ति हमारे हृदय में जागृत हो, हम भी किसी जन्म में ऐसे गुरुदेव की सेवा कर पाए। क्योंकि आज जिनका आविर्भाव तिथि है नित्य लीला श्री भक्ति वेदांत त्रिकम गोस्वामी महाराज जी का, उनका जीवन भी ऐसे गया सेवा में जीवन, उनके जीवन में देखा गया सेवा ही सेवा है, बस जुर्राब सिलने से लेकर चंडी पाठ तक वो सारा कार्य अपने आप करते थे, किसी की भी सेवा नहीं लेते थे। एक बार कोई धोती भी फट जाती थी तो उसको सिल के पहन लेते थे, साइकिल में जाते थे कृष्णा नगर, मायापुर, नवदीप, चुचूड़ा आदि आदि में सब जगह साइकिल से उसको चलाते थे, और सारे देवानंद गवर्नमेंट के, वेदांत गौड़े समिति के जितने भी कार्य थे करते थे। और परम गुरु जी की क्या किया, देखो हमारे गुरुदेव ने पूज्यपाद नित्यलेश भक्ति बावन गोस्वामी महाराज जी ने दीक्षा देके कितने जीवों का मंगल किया। कहते महाराज जी आप भी शिष्य बनाइए, बोले महाराज जी आपके शिष्य ही मेरे शिष्य हैं। कभी भी जीवन में ये देखा गया, जैसे भक्तपुर जी बताए तृणावपि सुनिचेन तरो रवि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कृपणिया सदावरी, जिसके अंदर ये चार गुण होंगे वही आचार्य का कार्य कर सकता है। और इनके अंदर ये पूरे चार गुण होने पर भी इन्होंने क्या किया, ये गुरु निष्ठा थी कि एक मठ में एक ही आचार्य रहेगा। पूज्यपाद नित्यलेश भक्ति बावन गोस्वामी महाराज जी के आनुगत्य में सेवाएं की, फिर दोनों गुरु भ्राताओं के साथ जो भी परामर्श करते थे, गौड़े वेदांत समिति के मूल स्तंभ तीनों थे, एक उद्देश्य को लेकर गुरुदेव की सेवा में इन्होंने प्राण दिए। और आप देखेंगे जब भी बहुत सुंदर सुंदर ऑडियो क्लिप हमारे लवंग दीदी अमरीश प्रभु निकाल रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर क्लिप हमारे महाराज जी भक्ति विद्या तिलक महाराज जी गुरु जी बात कर रहे हैं, गुरु जी कृष्ण की महिमा गान कर रहे हैं, तिलक महाराज जी कृष्ण की महिमा, गुरु जी राधा जी की महिमा, और एक भी व्यक्ति नहीं है जो वहां पर हंस नहीं रहा है। आप देखो कितनी सुंदर उनकी, बहुत सुंदर वहां पर समुद्र गढ़ में वार्तालाप होती थी। गुरु जी ये हमारे महाराज जी भीमसेन की तरफ लेते थे, और महाराज जी किसकी, समुद्र सेन की। वो तो बाद में जो हृदय में होगा था वो रिफ्लेक्स होगा सब शिष्यों के हृदय में जो श्रोता बैठे हैं। पर आप देखोगे एक भी श्रोता ऐसा नहीं जो वहां पर हंस नहीं रहा हो, क्योंकि ये मधुर वार्ता है जो उनके हृदय में है वही प्रकाशित हो गए यहाँ पर। बड़ी सुंदर सुंदर उनकी जीवनी है, वो एक ही बात कहते थे कि क्या करो, हमें गुरुदेव के जीवन, गुरुदेव की सेवा के लिए अपने प्राण भी तैयार रखने चाहिए। और वैष्णव सेवा हरि गुरु वैष्णव तीनों की सेवा करना पड़ेगा भक्ति में उन्नत होना है। खाली भगवान को मानेंगे तब भी नहीं चलेगा, खाली गुरु को ही मानेंगे वैष्णव को नहीं मानेंगे तब भी नहीं होगा। हरि गुरु और वैष्णव तीनों को यथा योग्य, वैष्णव को जैसे ही योग्यता प्राप्त होगी, वैष्णव की योग्यता के अनुसार उनकी सेवा करके उनका अधिकार को पहचान के जब सेवा करेंगे तब हमारा मंगल होगा। और महाराज जी की सुंदर सी घटना मैं बता देता हूँ, हमारे धीर किशोर जी बताते हैं। एक बार वो देवानंद गौड़ी मठ में, और मेरे को भी उनका दर्शन प्राप्त हुआ, सौभाग्य हुआ, मैं भी महाराज जी के दर्शन करने गया। पर हम लोगों को उस समय पता नहीं था वैष्णव की महिमा क्या है। दर्शन पवित्र करो यही तो हमारा गुण, दर्शन से वो पवित्र करते हैं, परंतु पहली बार में हमें उनका इतना आकर्षण नहीं होता। इतने महान पुरुष हैं, हाँ इतना 3-3 लाख 2-2 लाख हरिनाम करने वाले, गुरुदेव की सेवा करने वाले, इतने महान पुरुष हैं, कृष्ण को भी दे सकते तब तो हम ये बात नहीं जानते थे। और हम लोग गए बस प्रणाम करके आगे बढ़ गए, फिर हमने नित्यलीला श्री भक्ति बावन गोस्वामी महाराज जी कुटिया को प्रणाम किया, फिर हम आगे बढ़ गए, फिर हम गुरु जी की कुटिया में प्रणाम करके गुरु जी के बाद बैठे थोड़ा, फिर गुरु जी की कथा हम सुनते थे। परंतु इन दोनों महाराजों की हमें ज्यादा महिमा पता नहीं थी। अभी गुरुदेव के मुख से जब वो 2003 में अप्रकट हुए, हमारी परिक्रमा बरसाना में थी, मोदी जो है मोदी महल है वहां पर परिक्रमा थी, और पता लगा त्रिशूल महाराज जी अप्रकट हो गए। सुबह सुबह का समय था, बिल्कुल बहुत सर्दी भी थी, कार्तिक का महीना था, और हम लोग गुरु जी की कथा सुनने गए। वो हॉल भी इससे भी छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था।
तो गुरु जी वहां पर बहुत सुंदर अपनी अनुभूति बता रहे हैं कि ये त्रिकम महाराज जी कौन है। गुरु जी के नेत्रों में आंसू थे और बोले गौड़ी विधान समिति के तीन पिलरों में से आज एक पिलर चला गया और उन्होंने कैसे सेवाएं की है गौड़ी विधान समिति। तब पहली बार हमने गुरु जी के मुख से सुना कि कैसे उन्होंने मेरे गुरुदेव के लिए सेवा में प्राण दिए, कैसे मेरे मैं मठ में आया सबसे पहले महाराज जी त्रिकमाराधनाथ राधानाथ पहले प्रभुता राधानाथ दास अधिकारी, कैसे इन्होंने मेरे को कीर्तन करना सिखाया, कैसे इन्होंने मेरे को प्रचार में लेके गए, कैसे इन्होंने मेरे गुरु जी की सेवा में लगाया, कैसे इन्होंने मेरे प्रकाशन विभाग में लगाया। तो गुरु जी वहां पर ये बरसाने की बात है और गुरु जी सजल नेत्रों से एक एक शब्द भी बोल नहीं पा रहे थे और त्रिकम महाराज जी की महिमा का गान कर रहे थे। तब हम लोग समझे हम बड़े दुर्भाग्य हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, हम तो देवानंद गौड़ी मठ में जाते थे, कभी इनसे सेवा भी नहीं की, कभी इनसे कोई बात भी नहीं की क्योंकि बंगला भी हमें आता नहीं था और महाराज जी बंगला वासी है। फिर हमें थोड़ा थोड़ा पता लगा और कैसे फिर बाद में उनके निबंध करुणा में प्रभुपाद, मेरे करुणा में प्रभुपाद एक बहुत सुंदर निबंध उनका है, सदगुरु कौन हो सकते हैं, सदगुरु के कौन लक्षण है, कि बोले कि महाराज आप दीक्षा क्यों नहीं देते, तो बड़ी दैन्य की मूर्ति बोलते कि मेरे को अधिकार नहीं है दीक्षा देने का, कौन कह रहे हैं इतनी सेवाएं की हैं, इतना हरिनाम किया, योग्य व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि एक सदगुरु जो जिन्होंने चिन्मयता प्राप्त कर ली है, एक अप्राकृतिक गुरु और जागतिक गुरु में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है सिर्फ नाम बोलने से किसी को मैं एक नाम दूंगा मेरे गुरुदेव नाम देके वो एक हो जाएगा, कदापि नहीं हो सकता। तो उनका जीवन सेवा में जीवन गया है। तो एक बहुत सुंदर घटना बताते हमारे एक बार दीर्घ शंभू गए देवानंद गौड़ी पर, उनके साथ चार पांच भक्त लोग भी गए वहां पर, तो महाराज जी क्या करे, महाराज जी ने कभी जीवन में किसी की सेवा ग्रहण नहीं की, खुद ही रसोई बनाते थे और महाराज जी क्या करते थे सुबह मंगल आरती से पहले उनकी रसोई तैयार हो जाती थी, बढ़िया रसा चावल आदि आदि बना के सुबह ढाई बजे उठ के एक लाख अपना हरिनाम करके मंगल आरती करके, क्योंकि महाराज जी बड़े हट्टे काटे ताजस मानु का शरीर था बड़ा स्ट्रांग था और महाराज जी क्या है सुबह पूरा हरिनाम आचमन करके आरती करके हरिनाम कर सुबह सुबह प्रसाद पाके भगवान निकलते थे। सबका अपना अपना वैशिष्ट है। तो इसमें क्या है कभी भी दोस्त नहीं देखना चाहिए कि क्या है कोई वैष्णव कैसे, एक वैष्णव है बहुत सुंदर है मृदंग बजा रहे 8 घंटा और वो बहुत ज्यादा प्रसाद पा रहे हैं, तो बहुत प्रसाद पाते हैं, उनकी सेवा वृद्धि पर कोई ध्यान नहीं देते। ये ध्यान क्या है व्यक्ति का आचार व्यवहार कैसे है कौन कैसे करता है, ये भाई लोग दोस्त देख लेते हैं, परंतु त्रिकम महाराज रात को कितने भी उठ के हरिनाम करते, अरे अभी अभी 6 बजे हुआ 7 बजे ये प्रसाद पा रहे सुबह सुबह ही, पर वो 2:30 बजे उठ के कितना हरिनाम किया है, हा? कितना गुरुदेव के स्मरण में विरह में रोए हैं वो, कितना मंगल आरती में कैसे आए हैं, क्या किया कोई जानता है इसके पीछे, पूरी रात में जा हो सकता है 1 लाख हरिनाम भी उनका हो गया। तो ये लोग हम लोग समझ नहीं सकते इस बात को। तो महाराज जी वहां पर ऐसे सेवा करते थे, तो वहां पर आए दीक्षा बोले कि तुम लोग वृंदावन मथुरा से आए कुछ प्रसाद पा लो, कुछ प्रसाद पाया, तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग पालेंगे, तो महाराज जी ने कहा कि करे हम लोग मूढ़ी लाए हैं मूढ़ी लोग पालेंगे, मूढ़ी पाओगे कह नहीं कुछ रसोई बना लो अपने लिए रसोई बना लो, तब उन्होंने कहा रसोई बना लो, तो कह नहीं महाराज जी हम लोग पालेंगे, तो देखा महाराज जी ने कहा कि देखो हमको तो कभी रोटी चपाती बनाने नहीं आती सब्जी बनाने नहीं आती, तो महाराज जी ने क्या किया खुद ही उठकर उनके लिए रसोई बनाई, जितनी भक्त आई महाराज जी ने रसोई ऐसी बनाई प्रसाद खिला दिया। फिर महाराज जी क्या बोलते भैया सीधा राधा दास से चाहिए आपको वैष्णव सेवा करने का, अभी अपनी सेवा नहीं कर पा रहे हम लोग हैं, वैष्णव सेवा भी नहीं कर पा रहे हम, और हमें क्या चाहिए राधा जी की सेवा, कैसे हम राधा की सेवा करेंगे, इसलिए बता रहे थे ना गुरु जी कथा कर रहे हैं सब लोग बैठे यहाँ पर, रूप सनातन में त्रिकम महाराज जी ने माइक लिया, अरे महाराज जी अज्ञान तिमिरांध से आंख बंद के वंदना की, चार लोग गए पीछे से वांछा कल्पत्र उपस्य किया चार और गए, हे कृष्ण करुणा सिंधु किया चार और गए, तप्त कांचन गौरांगी राधे ऐसे किए चार और गए,
महाराज जी की जब महामंत्र किया, महाराज जी की नेत्र खुली, देखो आप तीन लोग बैठे हो, ब्रह्मचारी सारे लोग गायब बता रहे थे ना, क्यों गायब? क्योंकि वो बैठे कौन थे, उनको महिमा पता था, वैष्णव सेवा गुरु निष्ठा का अंतरिक्ष महाराज जी की महिमा पता। जब तक किसी वैष्णव की हमें महिमा नहीं पता लगेगी ना, तब तक हम उसकी कथा सुनेंगे हा? तो महाराज जी की कथा और महाराज जी के बहुत सारे वीडियो क्लिप आई है, आप देखना, महाराज जी गोद्रुम द्वीप में बैठे हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी की भजन कुटीर में, और महाराज जी वहां परिक्रमा की महिमा गा रहे, धाम परिक्रमा की, क्या कह रहे हैं कि मेरे 50 साल हो गए परिक्रमा करते करते, और मैं परिक्रमा का भक्ति का मेरे अंदर भाव ही नहीं आ पाया, और भक्ति विनोद ठाकुर जी महिमा करते करते उनका गला अवरुद्ध हो गया, आप वीडियो देखने सुनना, और बोले अमर जीवन सदा पापे रहते प्रकाशित किया, चैतन्य महापुरुष लीलाओं को प्रकाशित किया, आज जो ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं उन भक्ति विनोद ठाकुर का विरह किसको अनुभव होगा? मैं तो बोल रहा हूँ पर वो बोल रहे हैं, आप सुनना वीडियो, उनके आंखों में आंसू है, मुंह आंखों का गला अवरुद्ध हो गए, कैसे उनको धाम की महिमा पता थी, और जब गुरु जी की महिमा गाते थे, परम गुरु जी की महिमा, भक्ति प्रज्ञान सिंह केशव गोस्वामी महाराज की महिमा जब गाते थे, सुनो गुरु की महिमा क्या होती है। उन्होंने बड़ा सुंदर कीर्तन लिखा है, नमो विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणे शिष्यमद भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने, इसमें कीर्तन में आठ आठ जो प्यार है ना, अष्टकम है, इतना सुंदर कीर्तन है, हमारे परम गुरु जी के कितनी सुंदर महिमा है, गौर श्रेष्ठ महापुरुष की धाम को प्रकाशित करने वाले, नाम प्रेम को प्रदान करने वाले, हाँ, और कृपाल के मनोभिष्ट को पूर्ण करने वाले, कितनी सुंदर महिमा गुरु की निष्ठा को बताई, हाँ, और उनका करुणा में कृपाल जी आर्टिकल पढ़ लो, कृपाल क्या जगत में लेके आए मेरे कृपाल जी, क्या करुण, कितनी करुणा उनके अंदर है, कृपाल की महिमा आप सुन लीजिए। तो और जब वो धाम की महिमा गा रहे हैं तो धाम की महिमा सुन लीजिए, और जब नाम नाम महिमा गा रहे हैं, नाम की महिमा, और ज्यादातर वो क्या कहते हैं बताते हैं भागवत का 11वें स्कंद पे कथा करते थे कि क्या है, भोग वाद का वो खंडन करते थे। पहले हमें दो प्रकार है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। भक्ति जब आएगी हमारे हृदय में, भक्ति आएगी पर हमें अनर्थों की निवृत्ति भी होगी, अनर्थ है हमारे भरपूर है, और हम लोग बड़ी ऊंची ऊंची बात करेंगे कदापि संभव नहीं। पहले हमें शुरुआत से आधार से वैष्णव की सेवा करते करते हृदय को मार्जन करना पड़ेगा, हृदय को तैयार करना पड़ेगा, हृदय को प्रस्तुत करना पड़ेगा, गुरुदेव कृपा करने के लिए आए, तो गुरुदेव महाराज जी हमें कृपा करने के लिए वो आए, आज उनका शुभ आविर्भाव दिवस है, उनके बड़े सुंदर सुंदर गुण है, हम महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कभी हमारा भी रुचि वैष्णव सेवा में हमारी जागृत हो। गुरु निष्ठा कैसे, गुरु से वैष्णव की सेवा करते गुरु भाई में कैसी प्रीति है, हमारे गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं छिपके, गुरु जी ने देख लिया, और गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी ने एक बार देख के उनको प्रणाम करके गले से लगाए, बोले महाराज जी क्या मेरे को नरक में ले जाओगे, कि कैसी गुरु व्रतों में निष्ठा है, हमारे महाराज जी बाद में आए परंतु कितना आदर सम्मान प्रीति है, ये सब उनके चरित्र में हमें मिलता है, जब तक हम उनको कृपा उनकी प्राप्त नहीं होगी तब तक हम उन्हें समझ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने नित्यली लाभ विष्णु विष्णु पद अष्टोदर शिष्य भक्ति वेदांत त्रिकम गोस्वामी महाराज की जय, अभिभाव दिवस की गुरु महाराज की, नित्यली लाभ भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्ण, अभी आरती होगी, एक मिनट देखो, अभी बता रहे थे ना वैष्णव का सेवा में, संतों सेवा में, संतों की हरि कथा में कैसे रुचि होगी, इसलिए शास्त्र एक श्लोक श्लोक में बताए, बोले सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना नी संशय च अत्र तल भक्त परिचर्य रतात्मना। यदि ये जो श्लोकों का ये मूर्तिमान स्वरूप है, देखो इस श्लोक में क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं, मेरे उपासना करते हैं, कृष्ण कहते हैं मैं कोई गारंटी नहीं सकता हूँ, दे सकता हूँ तुम मेरे को प्राप्त करोगे, कृष्ण बुद्ध कहते हैं। सिद्धि भगवती बात कहती संशय अच्युत से बिना,
भगवान की डायरेक्ट सेवा करने पर भगवान कहते हैं तो मुझे प्राप्त कर सकता हूँ, नहीं प्राप्त कर सकता मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जो व्यक्ति मेरे भक्तों का करता है, जो मेरी भक्तों की सेवा करते हैं, जो मेरी भक्तों की कथा सुनते हैं ना, कहते हैं निसंशय च अत्र, उसकी भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं, तो प्राप्ति होगा। इनकी जीवन में घटना है, जैसे राधा दामोदर नदी, कुछ भक्त लोग आ रहे थे तो हमारे भक्तवेदर नारायण गोस्वामी महाराज क्लास देते थे, रूप सनातन गोस्वामी मठ में जो आ रहे थे, कुछ लोग तो चले गए राधा दामोदर को दर्शन करने के लिए। जब वो गए, देखो कितने बड़ी बात कहते, बोले महाराज जी आप राधा दामोदर को दर्शन नहीं करेंगे। वो कहते थोड़ी इस इन्हीं आंखों से ठाकुर को थोड़ी दर्शन होता है, इन्हीं आंखों से ठाकुर का हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर अभी नारायण गोस्वामी महाराज क्लास रूप सनातन गोस्वामी गौड़ीय मठ में देंगे, अगर भक्तों की अगर हम कथा सुनेंगे ना, हमारा पूर्ण विश्वास है एक दिन ठाकुर मेरे को जरूर दर्शन देंगे। साक्षात ठाकुर जी राधा दामोदर मंदिर में नहीं गए, बोले नहीं अभी तो हम श्री नारायण महाराज से अभी हम हरि कथा सुनेंगे। मतलब क्या है? बोले हरि कथा है, हरि कथा मतलब क्या? बोले हरि कहाँ पर है? बोले हरि वहीं पर है, हरि कथा है, जहाँ पर शुद्ध वैष्णव की मुखार विद से भगवान की कथा निकले, हरि वहीं पर है और हरि कहीं नहीं। इसलिए कृष्णा कहते हैं, कृष्णा क्या कहते हैं, ना अहम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं जोगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ, जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरी कथा करते हैं मैं वही विराजता हूँ। इसलिए श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज ये सिखा दिए, अगर कहीं हरि कथा हो रही ना, हरि कथा छोड़ करके ठाकुर को दर्शन करने के लिए भी नहीं जाना चाहिए, मना कर देते, क्योंकि शुद्ध भक्तों से हरि कथा सुनकर ही हम भगवत प्राप्ति हो सकती है। अगर भक्तों का सेवा नहीं करेंगे, केवल मंदिर रहेंगे, भैया उससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाले। इसलिए उन्होंने अपना जीवन में बड़ी दिक्कत को हम लोगों को शिक्षा दिया, अगर जीवन में वो शिक्षा को अगर हम उतार लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए देखो हमारे यहाँ प्रेमचंद प्रभु बैठे, हम मैंने फोन किया, बोले प्रभु जी सब आनंद स्वरूप कैलाश के आदेश है, उनका इच्छा है यहाँ पर गुरु जी के सेंटर नियर हो। प्रभु जी बोले मैं सबको फोन किया, ये सब लोग तैयार हैं। बोले कोई तैयारी नहीं हो रही, ठंडा को घर छोड़ना चाह रहे हैं, रजाई ठंडी समय में रजाई तो सबसे बढ़िया आनंद है, फिर कोई जाना नहीं चाह रहे। तब प्रभु जी बोले भाई कोई बात नहीं, इसलिए हम सबको फ्री में ले जाएंगे, हम सबको फ्री में ले जाएंगे। प्रभु जी बोले मैंने क्योंकि आनंद स्वरूप, प्रभु जी बोले कोई चिंता नहीं, हम थोड़ी बहुत हम भी मदद करते हैं, जैसे तैसे भक्तों को लेकर के आओ गुरु जी का। फिर प्रभु बोले सब लोग फिर राजी हुए, फिर एक बस नहीं फिर दो बस हो गए, बड़ों से फिर दो बस हो गई, भक्त लोग आए। इसलिए हमारे श्री प्रेमचंद गुरु बड़ी सेवा की है, रास्ता में बड़ी गर्म गर्म समोसा खिलाए, और भक्त लोगों को बोले कोई चिंता नहीं, चले तो फिर चलो कुछ कर्ज पड़ेगा तो हम देखेंगे, कोई चिंता नहीं, अगली गली जोरदार ताली हो जाओ। देखो जो कल है, हम सवेरे मंगलारती के बाद में 8:30 हम लोग को नाश्ता तैयार हो जाएगा, उसको बाद में नाश्ता के बाद में फिर हम लोग कथा में बैठेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत सारे गुरुदेव का शिष्य है, वो थोड़ी थोड़ी गुरु जी के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। कोई दर्शन के लिए नहीं जाना ठाकुर जी को, हरि कथा जहाँ गुरु जी वहीं पर भगवान है, ठीक है? सबके सब दृढ़ विश्वास पूर्वक हरि कथा सुनना, उसको बाद में बड़ी सुंदर प्रभु जी बड़े सुंदर प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, उसको बाद में इच्छा हो तो आप लोग जा करके शाम को हम लोग मंदिर दर्शन करते हैं, तो फिर आप लोग फिर अपना अपना घर में वापस जाना, ठीक है? जाते समय घर से आपके थोड़े दिन प्रसाद लाया, बड़ों से लाए, अब थोड़े दिन प्रसाद भी दूंगा, मेरे से मिल कर दिया ना प्रसाद दूंगा तो ले जाएंगे। अभी आरती होगी, गौरव कहाँ है? गौरव आ जाए, गौरव प्रभु, ये गौरव प्रभु ऑस्ट्रेलिया का है, गुरु जी से जय 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 गुणाचंद्र आरती को शोभा।
We'll be right back.
Thank you.
सबके सब हरे कृष्ण।
Thank you.